एक क्यों लड़की हूँ भाई, मैं एक भाई समझ तुम्हें सकती ईर्ष्या हूँ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चलती रहती हैं चीजें, हाँ तो और मैं देखो जब मैं आप, प्रिपेयर हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई हमारा दूसरा बेबी हो जाए लेकिन अभी। अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ ना दूसरे बच्चे के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज आपने देखा होगा ईर्ष्या की ना काफ़ी दिनों से, मतलब हम ब्लॉग तो नहीं बना रहे थे, बट ईर्ष्या की ना तबीयत ख़राब चल रही थी, उससे वॉमिट वगैरह हो रही थी, चक्कर वगैरह आ रहे थे, पेट में भी काफ़ी दर्द था उसके। तो मुझे लगा कि शायद वो प्रेग्नेंट है, सो अभी वो अंदर टेस्ट करने गई हुई है। और लास्ट टाइम जब यारोही, मतलब जब यारोही पेट में थी ईर्ष्या का, जब मुझे फर्स्ट बार पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस बार तो मैं वही कुछ भी नहीं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, मैं किसको कैसे बताऊंगी उस पर, मतलब बहुत अलग था। उस टाइम मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट इस बार मैं चाहता था कि ये जो चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपको भी पता चले। आप मतलब अभी तो मुझे कन्फर्म भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ 99% ये है कि वो प्रेगनेंट होगी। सो अभी ईर्ष्या गई है अपना टेस्ट करने, और जैसे ही वो आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो भी रिज़ल्ट आएगा, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। वो अंदर गई हुई है और देखते हैं गाइस। क्या हुआ, क्या है? गाइस ये देखो, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें ना दो लाइंस आई हैं और एक ज्यादा रेड। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेग्नेंट हो गया, मतलब प्रेग्नेंट हो गया। मतलब मैं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एडिट करो, और सामने कैमरा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अभी ना समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और मुझे मुझे ना पता है 90% ईर्ष्या तो मैं भी लग रहा था, है ना, और मुझे भी ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ईर्ष्या तुम प्रेगनेंट हो, और 90% चांस, 90 का नहीं, मुझे 100% था कि भाई ईर्ष्या प्रेगनेंट ही होगी, और फाइनली ये चीज़ सच है। और यार, और आज ना हम घर भी जा रहे हैं, इसलिए हम यार ईर्ष्या समझ नहीं आ रहा, तुम बोलो। अब देखो यार, यार पता है, इधर आओ थोड़ा, इधर आओ। पता है अब देखो यार, छोटी है लेकिन, छोटी है लेकिन, जब तो मान लो अभी कितने की साल, जब तक मतलब दूसरा बेबी होगा तो तब तक वो 2 साल की हो जाएगी, मतलब थोड़ा तो समझ आ ही जाएगी उसको। और फिर अपना क्या है, उसके पास भी वो खेलने, जब तक वो 1 साल की होगी तो वो 3 साल, और एक बच्चा 1 साल का हो जाएगा हमारा, तो यारों को भी समझ आ जाएगी काफ़ी तक हद तक। तो फाइनली मतलब वो अभी बेचारी अकेले अकेले घूमती रहती है, अकेले उसके साथ बच्चा होना चाहिए, है ना, क्यों यार। तो आज अब ना आप कमेंट्स में ना बस नाम बताना स्टार्ट कर दो कि भाई हमें क्या नाम रखना चाहिए, तुम बोलो कुछ। बात सुनो, अभी यार वही बहुत छोटी है, तो अभी नहीं चाहिए बेबी। मैं उसके साथ थक जाती हूँ, उसकी केयर करना सब कुछ मेरे, तो मतलब मेरे ऊपर ही है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो अभी प्रिपेयर नहीं हूँ ना मेंटली ना फिजिकली, मतलब अभी नहीं, 4-5 साल बाद ही सोचेंगे दूसरा बेबी। 4-5 साल बाद सोचेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन अब इस ये थोड़ा, ये ऐसे थोड़ा ही ना होता है ईर्ष्या। वो तो भाई देखो, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एक तो शादी और दूसरा बच्चे कभी भी ना हमारे हाथ में नहीं होते, क्योंकि आज ऊपर वाले ने दिया। अगर मान लो भाई ईर्ष्या, फिर ना बच्चों के लिए तरस जाते हैं लोग। आपकी बात सही है, लेकिन आप मेरे बारे में भी तो सोचो कि भाई मैं अकेली इसको देखने वाली हूँ, अभी भी इसकी तबीयत खराब थी, इसकी केयर करते करते मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं संभाल सकती 2 बच्चे एक साथ। तो भाई अभी हम भी हैं, मैं भी हूँ, फैमिली में से उधर हो जाएंगे, सहारनपुर चल जाएंगे, फैमिली के साथ हो जाएंगे शिफ्ट। फिर भी अपना बच्चा खुद को ही देखना पड़ता है, वो बच्चे को माँ ही चाहिए होती है। अब यारोई को देख लो आप, हम इसे लेके जाते हैं सहारनपुर भी, कितना देर खेल लेती है ये, फिर इसे मैं ही चाहिए होती है, मुझे ही मेरे पास ही आएगी। तो भाई यारोई भी तो हो जाएगी ना, तो अभी यारोई बहुत छोटी है, तो यारोई की भी तो सोचो, यारोई की भी तो उसका कोई भाई या बहन चाहिए। हाँ तो चाहिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन 4-5 साल बाद, अभी नहीं भाई ईर्ष्या, 4-5 साल। अब भाई एक बार अगर ये चीज़ तो अनप्लान है ना, हम प्लान भी नहीं लेकिन कर सकते, फिर भी नहीं मजे चाहिए अभी। हाँ बच्चा तो हम प्लान ही नहीं कर सकते, आज ऊपर वाले ने मान लो हमें दे दिया, ऊपर वाले ने चीज़ से नवाज दिया। जब मैं प्रेगनेंट थी यारोई के, जब यारोई हुई थी मेरी कितनी तबीयत खराब थी, 9 महीने
इतनी वॉमिट, मतलब मेरा बुरा हाल था। तो अब नहीं मैं चाहती, क्योंकि अभी अभी तो मैं थोड़ा सा सही होना स्टार्ट हुई हूँ कि हाँ चलो यार अभी थोड़ी बड़ी हो गई यार, फिर मुझे थोड़ा सा अभी अब रिले टाइम मिलने लगा है, अब फिर से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, फिर दूसरा बच्चा, फिर उसकी केयर, भाई चार पाँच तो साल बाद करेंगे ना। युषा जब पहला पहला बेबी मैं मान गया, लेकिन पहले बेबी में दिक्कत होती है, दूसरे में नहीं होती, मैंने देखी है चीज़। और मैं इस रिकॉर्ड किया मैंने ये सारे इतना सब कुछ, कोई बात नहीं कर लिया, शेयर कर देंगे सबके साथ। लेकिन मैं अभी नहीं चाहती, देखना कमेंट्स भी ज्यादा यही आएंगे कि अभी नहीं, कुछ लोग हैं। युषा तुम अभी कह रही है, पता ही ना अभी बोलिए, इसको मैं समझाऊंगा। सोनाली भी मुझे बोलती है कि भाभी अभी आरोही छोटी है, चार पाँच साल बाद, मम्मी सब यही कहते हैं। और ये सही भी है कि इंसान थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना ले कि हाँ चलो दूसरा बच्चा, उसकी केयर करनी है सब कुछ। अभी नहीं यारो ही देखो कितनी उसकी तबीयत खराब रहती है, अब उसको तो केयर, उसकी केयर ही खत्म हो जाएगी, उसको माँ का प्यार ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा बच्चा होगा, मैं उसमें लग जाऊंगी, इतना ध्यान तो पापा भी तो हैं उसके। तो बच्चों को मम्मी ही चाहिए होती है भाई, आप क्यों नहीं समझते यार। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे भाई में कितना गैप है? 3.5-4 साल का है। और तुम्हारे और तुम्हारी बहन में? उतना ही है, 4.5-4.5 साल का। किसका? अनम में और मेरे अनम 4 साल छोटी है। नहीं भी नहीं, 2-3 साल की। नहीं हाँ तो यहाँ पे तो 3 साल का फर्क हो जाएगा। जब हम पूरे 4-4.5 साल के होते थे, जब मेरा भाई हुआ, जब मैं हुई थी, अब मेरी मम्मी देखो स्कूल भी जाने लग गए थे, स्कूल जाने लग जाए ना बच्चा फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। अभी अरोही बहुत छोटी है अरोही, तो आप उसका सोचो भाई। लेकिन ये बात है, लेकिन इस बच्चे को थोड़ा ही ना हम कुछ कर सकते हैं, ये तो तुम ये तो अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ही क्या समझ लो, हल्का सा ही डाउट तो है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो चलो ये तो अभी वैसे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, और डॉक्टर क्योंकि क्या होता है लास्ट टाइम में ऐसे ही हो रहा था कि डॉक्टर ने ना मतलब 3 महीने तक, तो हमने 3 महीने बाद आपके साथ शेयर किया था लास्ट टाइम। नहीं 3 महीने भी नहीं हुए थे, आपने स्टार्टिंग में शेयर कर दिया था। नहीं हमने पहले टेस्ट कराए थे डॉक्टर के पास भी गए थे, याद है तुम्हें, जब हम पूरा कन्फर्म हो गया, क्योंकि ये था कि भाई पहले हमने इसमें करा लिया, अल्ट्रासाउंड में नहीं आया। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्यों एक लड़की हूँ मैं, भाई मैं भाई तुम्हें युषा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मतलब मान रहा है मैं दर्द दिमाग होता है, लेकिन बाप के बिना बहुत दिमाग में ना चलती रहती है चीजें। हाँ तो और देखो, मैं प्रिपेयर हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई हमारा दूसरा बेबी हो जाए, लेकिन अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ ना दूसरे बच्चे के लिए। क्यों? लेकिन मैं अभी स्ट्रांग ही नहीं हूँ कि दूसरा बच्चा कर सकूं। तुम्हें पहले में भी लग रहा था? पहले था, चलो वो था कि हाँ कि पहला बच्चा चाहिए था कि हाँ। अच्छा मुझे एक बात मुझे बताओ, अभी आज हम घर जा रहे हैं, हाँ भाई फैमिली के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, ये तुम्हें भी समझाएंगे, मम्मी पापा भी बताएंगे, भाई हमसे बड़े तो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें गाइड करेंगे भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो बात समझ सकते हो तुम। जरूरी का प्यार बढ़ जाएगा जी, यार हुई का प्यार यार ऐसे थोड़ा ना होता है कि मान लो मैं बात सोनाली हुई तो मेरा प्यार बढ़ गया। लेकिन सोनाली भी आपके कितने साल बाद हुई है? 2 साल बाद, 2 साल तो छोटी हूँ मेरे से। तो जब तो थे ना मम्मी के पास सब लोग थे वहाँ पे करने के लिए, पूरी फैमिली थी, आप जॉइंट फैमिली में रहते तो अब थे। भी हो जाएंगे, पढ़ाई भी तो है, सोनाली की पढ़ाई है, फिर मम्मी वहाँ बिजी रहती हैं, अब मम्मी का भी ऑपरेशन होना है, तो अभी तो होना है ऑपरेशन कई सालों साल चलेगा। लेकिन फिर मम्मी के एक्चुअली एक स्टोन है, स्टोन का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके लिए है। यार युषा तुमने तो मेरा दिल भी है, मैं भी चाहती हूँ भाई कि हमारी भी फैमिली बड़ी हो, यार को कोई भाई बहन है, लेकिन फिर भी इंसान, आप मेरे बारे में भी तो सोचो थोड़ा कि इसे भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं तो कई ऐसी माँ थोड़ी हूँ, मैं जो नहीं चाहूँगी मैं बच्चा नहीं करूँ। आपको पता है जो इतनी इतनी गैप होती है ना, तो बच्चे का प्यार बढ़ जाता है, फिर उसकी केयर नहीं हो पाती। क्या क्या? अच्छा मुझे एक बात, हम घर जा रहे हैं, बात करेंगे माँ मम्मी पापा ने जो कहा उसको मान लोगे तुम? फिर तो मान लोगे। और दूसरा बात, अभी तो तुम्हारे टेस्ट भी करवाऊंगा मैं, अगर अल्ट्रासाउंड में भाई अगर ऊपर वाला नहीं, अगर मान लो हाँ ये गलत होगा कि हमें अभी नहीं चलें ऊपर वाला खुद ही, मतलब ये मान लो कभी कभी ये भी चीज़ें गलत हो जाती है, ये 100% एक्यूरेट थोड़ी ना होती है। अल्ट्रासाउंड होगा, अगर अल्ट्रासाउंड में आ गया तो फिर थोड़ा ना हम कुछ कर सकते हैं, तब तो करना ही पड़ेगा हमें, हम ऐसे थोड़ा ना कुछ बच्चे के साथ थोड़ा ना हम कुछ कर सकते हैं। गाइस मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया वाकई, मतलब मैं तो क्या सोच रहा था कि रिकॉर्ड करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करूँ, आपके साथ शेयर करूँ ना करूँ। अगर ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, ऐसे तो हो सकता है 90% कि मैं ना करूं, बट
मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप हमें अच्छा सही से गाइड कर पाओ इस चीज़ में, सो प्लीज़ अगर मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी तो आप कमेंट्स में बताना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। बाकी ये ब्लॉग में पर अगर ये डला तो इतना ही रहेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में हम घर जाएंगे, घर पर जाके बात करेंगे, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि भाई घर वाले क्या कहते हैं। अभी पहले प्रिया दीदी आएंगी, थोड़ा सा उनको उनसे भी डिस्कस करना, वो हाँ भी अभी वो बताएंगे मतलब हमसे। देख लेंगे, अभी अभी हम सहारनपुर के लिए निकल रहे थे, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। मैं तो दिमाग ख़राब हो गया गाइस।